मेरी ओर से नमस्कार, मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है संगत में तीन ताल कैसे बजाया जाए। जब हम किसी के साथ संगत करते हैं तो सबसे पहले विलंबित लय में तीन ताल को बजाया जाता है। विलंबित लय में एक अलग प्रकार का तीन ताल बजता है, उसके बाद मध्य लय में शुद्ध तीन ताल के बोल बजते हैं, और उसके बाद द्रुत लय और अति द्रुत लय, इन चार लयों में ज्यादातर तीन ताल बजाया जाता है। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, विलंबित लय में तीन ताल कैसे बजाया जाए। तो ये है एक आवर्तन। इसे बजाने के लिए आपको सबसे पहले तीन ताल के जो 16 मुख्य बोल हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मुख्य बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन तिन ता, ता धिन धिन धा। विलंबित लय में जहां जहां ये मुख्य बोल आते हैं वहां वहां इन बोलों को शुद्धता के साथ बजाना है। मतलब ये बोल उस प्लेस से चेंज नहीं होने चाहिए, उसके अलावा जो स्पेस खाली बचता है उसमें आप इससे रिलेटेड बोल का कोई भी प्रकार बजा सकते हैं। जैसे धा धिन और धा और धिन उसी जगह पे रहेंगे, बीच में जो स्पेस बचता है उसमें आप धा और दिन से रिलेटेड कुछ भी बोल बजा सकते हैं। मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, ये आप अपने ढंग से भी बजा सकते हैं, आप मेरे से ज्यादा गुणी हैं और सबका बजाने का ढंग एक अलग होता है, वही उनको अलग लेवल पे अच्छा बनाता है। तो आइए देखते हैं धा से लेकर दिन के बीच में हम क्या वेरिएशन विलंबित लय में दिखा सकते हैं। तो टेम्पो है है तीन ताल का विलंबित प्रकार। अब इसको डिटेल में देखते हैं। धा, अब मैंने धिन को एक अच्छा दिखाने के लिए उसके पहले ट्रक बोल लगाया, या टिट बोल लगा सकते हैं या तेरे किट बोल लगा सकते हैं। धा टिट धिन टिट धिन 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 धा 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 ती धा टिट धिन टिट धिन 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 धा 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 ती धा। अब ये बोल है धा गे न त क, धा गे न तक तिन, धा गे न तक तिन, तक तिन 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 धा 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 ती धा। अब शुरू से देखते हैं बोल धा तक तिन प्रकार पूरा आवर्तन पूरा सर्कल घूमता रहेगा। आपको शुद्ध बोलों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, लास्ट में आप तिहाई लगा सकते हैं, शुद्ध बोलों को हमेशा उनकी ही जगह पे बजाना है। आप किसी भी ताल की विलंबित लय बजाते हैं, अगर किसी के साथ संगत करते हैं तो आप इन्हीं नियमों को ध्यान में रख के विलंबित लय बजाइए, सभी उसकी बहुत तारीफ करेंगे। तो अब लय बढ़ती है, मध्य लय में आती है, तो मध्य लय के बोल देखते हैं। तो ये है मध्य लय का तीन ताल। इसके बोलों को विस्तार से देखते हैं। धा धिन धिन धा
इसमें मुख्य बोल तिन का बोल है ता तिन। इसमें कई लोग इसको दबाते हैं, वैसा तिन का शुद्ध बोल सुनाई नहीं देता, तो कोशिश करिए ये फिंगर यहां पे दबानी है, पहली फिंगर को आगे की तरफ पुश करना है, उसको दबाना नहीं है, उसको ऐसे धकेलेंगे तो तिन का साउंड पैदा होगा। इसके लास्ट के दो पल्लों में आप कुछ बोल ऐड कर सकते हैं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा त्रिक दिन ता त्रिक दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा त्रिक दिन ता त्रिक दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा त्रिक दिन ता त्रिक दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा त्रिक धा त्रिक धा त्रिक धा। तो ये है मध्य लय का तीन ताल। अब आगे बढ़ते हैं तो टेम्पो और बढ़ जाता है, तो द्रुत लय में तीन ताल को कैसे बजाया जाता है आइए देखते हैं। ये है द्रुत लय का तीन ताल। अब इसके बोलों को विस्तार से देखते हैं। आप इसके बोलों को धादिन दिन्ना भी बजा सकते हैं, तो मैं इसमें एक वेरिएशन बजाता हूं, मैंने जाकिर जी के कई रिकॉर्डिंग्स में वो सुना है, मेरे को अच्छा लगता है वो चीज बजाना और उससे बोल बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसमें बोल बनता है इसको स्लो टेम्पो में देखते हैं। इसमें राइट हैंड एक ही तरह से काम करेगा, ता ता तिन्ना ता ता तिन्ना। डग्गा के बोल हैं धा दिन धा धा दिन धा 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 दिन धा 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 दिन धा 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 दिन धा धा दिन धा।
जब टेम्पो इन बोलों से भी तेज हो जाती है तब इस द्रुत लय में एक और बोल आप ऐड कर सकते हैं। तो वो बोल है धाती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना ताती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना ताती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना। तो ये बोल है धाती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना ताती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना ताती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना ताती धन्ना। इसको विस्तार से देखते हैं धाती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना धाती धन्ना धाती ना धा ती धिन ना धा ती धिन ना ता ती धिन ना धा ती धिन ना धा ती धिन ना धा ती धिन ना ता ती धिन ना धा ती धिन ना धा ती धिन ना धा ती धिन ना ता तो ये है द्रुत लय का एक दूसरा प्रकार। पहला प्रकार था क्योंकि ये बोल एक ही उंगली से बजाया जाता है इसलिए आप इसको ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक नहीं बजा पाएंगे। जब संगत करते हुए लय और बढ़ने लगे तब आप दूसरी उंगली को यूज करते हुए ये दूसरे बोल बजा सकते हैं धाती गिन्ना धाती धिन्ना 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 धा। तो एक बहुत तेज टेम्पो और बहुत देर तक टेम्पो को संभाला जा सकता है। पर दोनों बोल देखते हैं था द्रुत लय का तीन ताल। इसके बाद अगर टेम्पो और बढ़ती है जैसे वादन में झाला या गायकी में तराना वैसी चीजें बहुत तेज टेम्पो पे गाई जाती है तो उसको अति द्रुत लय बोलते हैं। तो उसमें तीन ताल के बोल और बदल जाते हैं क्योंकि टेम्पो और तेज होता है और हाथ को बजाने में दिक्कत होती है। जितने कम बोल होंगे उतनी तेज टेम्पो बजेगी। तो अति द्रुत तीन ताल के बोल देखते हैं। इसके बोल हैं धाती गिन्ना धाती गिन्ना धाती गिन्ना ताती गिन्ना धाती गिन्ना धाती गिन्ना धाती गिन्ना ताती गिन्ना। धाती गिन्ना धाती गिन्ना धाती गिन्ना ताती गिन्ना धाती गिन्ना धाती गिन्ना धाती गिन्ना ताती गिनना। सबको पता है ग पहली फिंगर से और ना बाहर धा ती गिनना धा ती गिनना धा ती गिनना ता ती गिनना धा। तो ये है अति द्रुत तीन ताल के बोल। अब इन बोलों को तेज टेम्पो में बजा के देखते हैं।
ये था आज का लेसन, संगत के साथ तीन ताल कैसे बजाया जाए। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।